येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कर्णसागर प्रभु जी के प्रेम भक्ति से बंधु प्रभु जी की कृपा से हमारा सत्संग बहुत सुंदर रूप से चल रहा है और सुंदर सुंदर भजन गा सुनकर या उनमें सम्मिलित होकर हमें आध्यात्मिक रस मिलता है। हम प्रभु के चरण में आते हैं, प्रभु के चरण से हमें प्रसाद भी मिलता है। ये प्रसाद शब्द जो है, इस हर एक चाहता है प्रसाद देना, और प्रसाद केवल हमारे आश्रम में नहीं मिलता, कहीं भी जाएं, किसी भी धर्म स्थान पर जाएं, प्रसाद मिलता है। तो भावना ही कि प्रसाद शब्द का अर्थ क्या है, क्या वो जो चीज़ मिलती है वो प्रसाद है या इसके पीछे कुछ आध्यात्मिकता भी है। प्रसाद शब्द शास्त्री शास्त्र का शब्द है, आम फैम का तो है ही, हर कहता प्रसाद ले जाओ, लेकिन शास्त्र में प्रसाद आता है। योग दर्शन का एक सूत्र है, वो है प्रसादे सर्व दुख नाम आने अशुभ जाए। प्रसाद वो शब्द है जिस द्वारा जो अगर हमें पता हो क्या है तो सर्व दुख नाम आने रह जाते, कोई दुख रहेगा नहीं। हम भी तो प्रभु के प्रसाद लेते हैं, कृपा के लिए लेते हैं, दुख ना पर इससे खा भी लेते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। लेकिन वास्तव में जो प्रसाद शास्त्र में आया है उसका अर्थ है प्रसादे सर्व दुखा नाम, प्रसाद से सब दुखों की हानि उपजाते हानि हो जाती। कमाल का शब्द है, हर एक दुख चला गया। और ये जो प्रसाद शब्द है सतगुरु शब्द चरणों से मिलता है, ये भी प्रसाद है। और वो प्रसाद हम समझते हैं कि प्रसाद नहीं है, वो फल नहीं है या मिठाई नहीं है, वो प्रभु की कृपा है। तो प्रसाद आम फैम में कृपा शब्द है और प्रसाद शास्त्र में वो है, वो क्या है अब कुर्सी याद है प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रहते। तो वो प्रसाद जो योग दर्शन का सूत्र है, एक उसके साथ और भी सूत्र जुड़ा हुआ है, वो है मैत्री करना मुदित अपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य भावना चित्त प्रसाद नाम। वो चित्त के साथ जुड़ा हुआ है, वो प्रभु जी का तो मन हम समझते हैं शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, चित्त का जो चित्त में मन के दो तरह के सुख होते हैं ना, एक अंतर का सुख है एक बाहर का सुख है। अब हम अंदर के सुख की बात करें तो कैसे होगा, वो है मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम। ये चार बातें हमारे जीवन में आ जाएं, सुख दुख पुण्य पुण्य भावना आता, उनके प्रति भावना हो जाए तो हमारा मन सुखी हो जाएगा। स्पष्ट करने के लिए, हमारा जो जीवन है वो सामाजिक जीवन है, हम समाज मनुष्य ही से सोशल बींग समाज में रहते हैं, वो इस चीज को की ओर इशारा करते हैं सूत्र कि समाज में रहते हो तो अब तुम्हारा समाज के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, और अगर समाज के प्रति ठीक व्यवहार हो तो प्रसाद प्राप्त मान चित्त प्रसाद मन खुश रहेगा। अब हमारे मन इसीलिए दुखी हैं कि ना परिवार में हमारा व्यवहार ठीक, ना समाज में व्यवहार ठीक,
और न कहीं और भी व्यवहार ठीक जो जा रहे थे। तो वो सूत्र कहते हैं कि ऐसा रखना चाहिए कि पहले मैत्री के हर एक किसान मित्रता रखो, किसी को दुश्मन मत समझो। तो पर समझने की बात नहीं है, भावना होनी चाहिए। जिन हर एक के साथ ऐसा व्यवहार हो जैसे मित्र का होता है। पर मित्र कैसा होता है? मित्र का होता है ए फ्रेंड इन नीड, इज ए फ्रेंड इन डीड। मगता है सब उसके जूझ पड़े उसके दुख में, हम करते नहीं। जिसके दुख में हम हिस्सेदार बनेंगे, भाई मित्र है ना, और हमारा जीवन सुखी होगा, उसका जीवन सुखी होगा। पर समाज में करते नहीं है, हम तो दूसरे को दुख देने में परेशान होते। तो वेद में लिखा है मित्र ने चक्षुषा समीक्षा में, हर एक को मित्र किसी देखो। लेकिन हम किसी को मित्र समझ जाए, किसी को शत्रु समझ जाए, और जिसको मित्र समझते नहीं है उसके दुख में भी हम स्वयं नहीं होते। एक नीति का शब्द है कि असल में मित्र संबंधी होता है, और मित्र वक्त पता लगता है कि वह मित्र है। शमशाने राज द्वारे या तुष्टिसा बांधव, जो मुसीबत के वक्त साथ रहता है वह मित्र है, वह बंधु है, वह भाग जाते हैं शमशान में, दुख सुख में या मृत्यु के समय। राजद्वारे में जहाँ कभी कोई ऐसा केस बात आ गई कि हमें हमारे ऊपर कुछ चला है, तो उस वक्त उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ रहे। लेकिन अगर हम ऐसा व्यवहार हो जाए कि सबको मित्र समझें और सबके साथ हम व्यवहार ठीक हो, तो समाज के अंदर हमारा जीवन सुखी सुखी। मगर हम तो दुखी बना लेते हैं, ये भी दुखी, निंदा करते हैं, ये बुरा है, वो निंदा है, बुरे की अपने मित्र की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो हम करते हैं, हमारा हितैषी वो है जो पीछे हमारी तारीफ करे और हमारे सामने हमारे बताए, ताकि वो दोष दो के साथ न जाए, हम अपने आप ठीक कर लें। किसी के चेहरे पर काला दाग लगा हुआ है, कुछ है, तो लोगों को देखो हंसाए, उसके चुप कर काला दाग बचा लो, वो मित्र है ना कि दूसरों के देखो ये कितना गंदा है। तो एक तो ये है कि अगर जीवन सुखी बनाया है तो सामाजिक जीवन में सुख होना चाहिए, तभी सुख मिलेगा जब सबको मित्र दृष्टि देखें। और भी मैत्री करना, करना बड़ी चीज, करना से हृदय वाकई प्रसन्न हो जाता। ये प्रसाद जो है, प्रसाद शब्द का प्रसन्न जो शब्द है, ये प्रसाद से मैंने सद शब्द से साद और सन, ये धातु एक ही है। निर्मल मानो तो मन में प्रसन्नता भी आ जाएगी, मन निर्मल हो तो प्रसन्नता कैसे आएगी? तो कहते हैं ये सूत्र कहता है कि अगर किसी को दुख देखो तो जैसे मित्र के साथ होता है, तो किस नहीं मित्र उसके दुख में भी उसकी मदद करो। करना, करना से बहुत मिल होता है। कहते हैं वाल्मीकि रामायण जो लिखी, करना से लिखी। उसने एक बैलिए ने एक दो पक्षी थे, एक पक्षी उसे मारा, उसके बंदर से इतनी करुणा हुई, उसके जो श्लोक निकला कि ऐ पक्षी तुम्हें कहाँ सुख मिलेगा, तो उन्हें एक अपने एक साथी को मार दिया। वो जो श्लोक था वो संस्कृत में था, और उसी संस्कृत के आधार पर, श्लोक के आधार पर सारी रामायण लिखी इतनी बड़ी।
करुणा से हमारी अंदर जागृत होती है। दया, मगर दया से मौखिक नहीं, अगर हम दया का प्रदर्शन भी करें, किसी को दुख जुबान से, दान से, शरीर से किसी तरह मदद कर सकते, तो हमारा जो है मन प्रसन्न हो जाएगा। ये तो हमारा अनुभव है, किसी दुखी को जरा भी हम मदद कर दें, चाहे किसी तरह भी, हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है, हमने कुछ किया। और हम स्काउट थे तो वहां एक लेकी हर रोज का गुड टर्म एवरी डे जब पढ़ाया जाता था, पर हम नेकी का मौका आता तब भी नहीं करते, मौका मिलने में बड़ा मुश्किल है। तो ये दो चीजें जो है मंत्र में, के मित्र सुखी के साथ, मित्र का जो है कैसा सुलूक हो और एक दुखी का कैसा सुलूक हो समाज के अंदर, और मुदित मुदित है सुख के साथ, किसी के साथ सुख होना तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, जैसे हमें सुख मिला, हमें ईर्ष्या हो जाती है उस सुख के साथ, ऐसे ही खुश हो जाओ जैसे कि हमें सुख मिले। किसी का बच्चा का स्कॉलरशिप आया तो उसको जाकर बधाई नहीं देनी, बल्कि हृदय से खुश होना चाहिए कि देखो ये कितना अच्छा है, इसको सुख मिला, सुख ट्रस्ट वो अपने ऊपर सुख ले लो, जैसे गर्मी अपने ऊपर ले लेते हैं, सर्दी अपने लेते हैं, सुख भी अपने ऊपर ले लो कि मैं सुखी हूँ। तो ये है मैत्री करना मुदित उपेक्षा ना, मुदित हो जाओ, कैसे सुख दुख पुण्य पुण्य भावना, किसी को अच्छा काम करना है सुखी हो जाओ। और अगर इतने काम करते रहेंगे, इन भावना ऐसी होगी तो भावना था, पहले भावना होगी तभी काम करेंगे ना, तो ऐसी भावना होगी सुखी होंगे। पर एक और भावना भी है, अपुण्य जीवन इस संसार में, जहाँ सत्वगुण है वहाँ तमोगुण भी है, ये ना सत्व सतयुग में दूर हुआ ना अब तो बढ़ गया। सतयुग में सतगुण अधिक होता है और कलयुग में तमोगुण ज़्यादा होता है, ये सतयुग में पुण्य होते हैं और कलयुग में पाप होते हैं। अब पाप बहुत हैं, अब पापियों के साथ जो दूरी रखनी क्या है वो लिखे, जैसी संगत होगी वैसा हमारे पर असर पड़ेगा। तो उसके लिए कि मैत्री करना मुदितोपेक्षा ना, सुख दुख पुण्य अपुण्य भावना था, अपुण्य के साथ क्या रखो अपेक्षा, ना उसको बुरा कहो ना अच्छा कहो, ना उसके पास जाओ ना उसको के साथ झगड़ो। कोई रिश्वत देता है तो ऐसे आदमी के साथ संग ना रखो, और ऐसे आदमी का आलोचना भी ना करो, आलोचना करोगे तो झगड़ा पैदा होगा, फिर हमें सुख कैसे मिलेगा। तो ये सूत्र जो है कि जो प्रसाद गुण पैदा होता है, प्रसादे सर्व दुखन मान प्रसिद्ध है, सामाजिक दृष्टि से प्रसाद गुण हमारे आ जाए तो सामाजिक दृष्टि से हम सुखी हो जाएंगे। और ये भावना पैदा करनी होगी, और भावना पैदा करनी बड़ी मुश्किल है, पर योग भावना है योग की चीज़,
और ये योग दर्शन सूत्र है, योग दर्शन आई किस चीज़ का, वृत्तियों का। वृत्ति ऐसी बनानी है कि हमारी वृत्तियाँ ऐसी बने, इसको कहते हैं अक्लिष्ट वृत्तियाँ। इससे उल्टे हैं क्लिष्ट वृत्तियाँ, उल्टा करें, सुखी को देखें तो दुखी हो और किसी बुरे को देखें तो उसकी निंदा करें, वो उल्टा करेंगे तो जीवन सुखी नहीं होगा। भावना ऐसी हो कि इन ऐसी परिस्थितियों में हम अक्लिष्ट वृत्तियों बनाएं जिससे कि हमारे मन हम मैलाना हो और हम जीवन व्यतीत करें। ये योग दर्शन इसी सूत्र में आया। तो इस तरह हमारा मन सुखी रहेगा। जो कहा ना सब दुख दूर होते हैं, तो मन के सारे दुख, इसीलिए दो सूत्रों के अंदर स्पष्ट कर दिया उन्होंने। तो ये है प्रसाद, मानसिक प्रसाद। और अगर प्रसाद का मतलब जब लेते हैं ना, मतलब दूसरा भी प्रसाद है कृपा। हम भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, किसलिए भक्ति करते हैं, भगवान की दिया हो। जब कुछ मुसीबत आती है भगवान को याद करते हैं कृपा के लिए, मंदिर में आते हैं माथा टेकते हैं, होता है प्रभु की कृपा मिले। ये जो दूसरी चीज है ये सिर्फ मन की नहीं है, शरीर की भी है, मन की भी है, समाज हमारे परिवार सबके पूरे जीवन के लिए होती है। और ये कृपा जो है ये कैसे होती है, क्या प्रभु के माथा टेकने से कृपा हो जाएगी? हो जाए तो मजा है, लोग तीर्थों पर जाते हैं माथे टेकते हैं, होता कुछ नहीं। भगवान कृपा नहीं करता, भगवान कर्मों का फल देते। अगर कृपा करने लगे तो भगवान फिर वो कर्म फिलॉसफी खत्म हो जाए। कैसे? भगवान तो जो है वो तो है सुप्रीम कोर्ट है, जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा। फिर प्रसाद क्या हुआ, कृपा क्या हुआ? ऐसा समझना चाहिए कि भगवान डायरेक्ट नहीं देता, भगवान थ्रू प्रॉपर चैनल देते हैं। सरकार की तनख्वाह में मिलती है, सरकार नहीं देती, थ्रू प्रॉपर चैनल मिलती है, खजाने से मिलती है, सरकार से नहीं मिलती। ठीक है, तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल क्या है, वो गुरु है। गुरु के द्वारा ही कुछ मिलेगा, भगवान से डायरेक्ट नहीं मिलेगा कुछ भी। और इसलिए जितने भी धर्म बने ईश्वर को मानते हैं लेकिन साथ गुरु को मानते हैं। जितने धर्म चले, चाहे कोई भी धर्म चला, वहाँ एक इंसान भी होता है चलाने वाला, वो चलाने वाला जो गुरु होता है उसको गुरु कहते हैं, चाहे अवतार कहो चाहे पैगंबर कहो चाहे कुछ हो। और वो गुरु जो है, और गुरु का डायरेक्ट भगवान के साथ संबंध होता है, क्यों गुरु तो बनता है जब योगी हो। तो स्वामी कहते हैं जितने धर्म के प्रवर्तक हुए योगी हुए, योगी का मतलब भगवान के जुड़े हुए थे, उन्हें भगवान की बातें संसार को बतलाई। और कृपा भी होती है तो भगवान की नहीं होती, गुरु के द्वारा होती। पर गुरु कब कृपा करते हैं, गुरु के जो कहने पर चले। और जो नहीं चलता उस पर कृपा नहीं हो सकती, बल्कि दूसरे के ऐसे धर्म है जो गुरु ने एक नियम बनाए, वो इतना कठोर से पालन करते हैं कि डर है कि अगर ना पालन करेंगे हमारे क्यामत बच सके, पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर रोजाना रखेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उनको डर है गुरु के नियम का और वो पालन करते हैं। और उनके पालन करते हैं तो उन पर गुरु की कृपा भी होती है। वक्त पर
भगवान ने देखो, गुरु कहता है तुम्हें भगवान ने शरीर दिया है, ये शरीर क्या है, भगवान की इमानत है। ये तो प्रभु जी ने साफ हमें बता दिया कि प्रभु भगवान की इमानत है शरीर। इमानत को ख़यामत नहीं कर देना, हम कर देते, चौथे दिन शरीर बिगाड़ कर देते। किसी के पास कोई चीज रखी और उसे ख़यामत की, आया वो तो चूहे खराब कर गए। तो हम भी ऐसे करते हैं। अब वो उसने बदला भी लिया, उसने रखा सोना रखा, तो भाई उसने का सोना वो चूहे खा गए, तुम्हारी चीज खा गए, मेरे सोना खा गए, मेरे पास नहीं। तो भाई बात यह है कि हमें ईमानदार के साथ ख़यामत करते। प्रभु जी ने हमें धीरे दिया, हम ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं कि दो चौथे दिन बीमार हो जाते हैं। बीमार होना भी पाप है, हमारी बीमारी दूसरों को भी लग जाती है तो फिर पाप नहीं हुआ, हम पहले से होशियार रहे। और उसके लिए तो प्रभु जी ने हमें बाकी जगह बनाए होंगे नियम, हाँ खान पान के सब जगह नियम है, लेकिन प्रभु जी ने खान पान के नियम साथ साथ योग के सारे नियम दिए। लेकिन हम अगर नहीं करेंगे तो गुरु की कृपा नहीं हो, गुरु की कृपा के रोज करो। और सब धर्म कहते हैं कि देखो जिस ईश्वर ने तुम्हें जन्म दिया है उसका धन्यवाद तो करो। मनुष्य दिया, वक्त पर संध्या करो, वक्त पर नमाज पढ़ो, वक्त पर सब करो जो बताया है। लेकिन अगर नहीं करेगा तो वो क्या होगा, भगवान नहीं सजा देगा, गुरु सजा देगा। डरो गुरु से, हम अगर गुरु से डरते होते हैं तो हम वक्त पर सब करते, लेकिन डर नहीं है। पर डर ना होने के कारण सजा तो मिलती है। एक आदमी कहते हैं बड़ा होशियार हूँ, देखो मैं स्कूटर चला रहा हूँ, रेड लाइट क्या होती है मेरे आगे, मैं चार लाइट क्रॉस करता हूँ। क्रॉस तो कर सकते हैं लेकिन जेल में भी जाएगा। हम अगर प्रभु जी के इन जो नियम बनाए ना करेंगे तो हमें दुख भोगने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अब क्या करना है, दो टाइम भगवान का शुक्रिया तो करें कि भगवान आपने हमें शरीर दिया है, मैंने शरीर दिया है, आपने दिया है ना, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और गुरु कहता है धन्यवाद प्रभु का करो, मेरा धन्यवाद कहता हूँ करो। गुरु नियम बना देता है लेकिन इशारा भगवान की तरफ करता है, गुरु खुद भी करता है ना, मगर गुरु के बच्चे नहीं मानकर फिर मुसीबतें पड़ जाते। 11 साल कहते हैं, एक कल चिट्ठी आई, मेरा ये है लंबी 2 साल की चिट्ठी थी, मेरी ये तकलीफ है, मेरी ये तकलीफ है, इतने साल हो गए लिखा लिए अभी थक गए। मैंने कहा तुम 11 साल हो गए लेकिन 11 घंटे भी तुमने हमारा आज्ञा नहीं पाली होगी, तो तुम्हें दुख ना आते तो और क्या आता। अब जो नियम बना प्रभु के हैं मैं लिखे पालन करो, और 4 महीने के बाद आना चिट्ठी साथ लाना, और ना पालन करोगे तो मत आना। पालन करना बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल है ना, और लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि हम हमारे आदत ही नहीं है। उधर आरती हो रही है, उधर ताश खेलती जा रही है, भाई उनको पता नहीं कि हमें भी आ गया है पूजा करने की।
स्वामी दयानंद ने कहा दो समय संध्या करनी चाहिए, ये कौन करते? क्यों? एक घटना ठीक है, आगे आयुष्मान के उपदेशों को जैसे जगह जगह जाकर उपदेश करते थे, अब वो भी नहीं है, और वो उपदेशी होते थे और आयुष्मान के अधिकारियों के पास खाना खाना खाते थे, और ताकि खर्च आयुष्मान का बच जाए खाने का। तो एक उपदेशक चला गया आयुष्मान के प्रेसिडेंट के घर और भगत वह संध्या करने लग गया, और प्रेसिडेंट है आयुष्मान का, वो संध्या संध्या उनको पता नहीं क्या होती है, लेकिन पंडित जी तो संध्या करने लगे, एक तरफ बैठ कर संध्या कटाया संध्या कर रहे थे। बच्चा आया, पंडित जी नाराज हो गए, बोलते नहीं है, बच्चे को क्या पता लगे या पिता ही नहीं करता था। और यही हमारी हालत है, बड़े शौक से स्वामी दयानंद ने आयुष्मान बनाई थी, वेदों को इतना बड़ा अर्थ किया, इतने सोसाइटी बनाई, और इतने कट्टर थे, उनकी मौत भी सजा हुई कि देखो तुम अपने नियम पर चलो। वो गुजरात में पैदा हुए थे, राजस्थान में अजमेर से शुरू हुआ, फिर पंजाब में आया उनका, अजमेर राजस्थान में राजे थे तो राजे शिष्य बने, तो एक गुरु के नाते राजा के दरबार में चले गए, वहाँ देखा अवैशों का नाच हो रहा है, साफ कह दिया शेरों के घर कुत्तियों कैसे, ये शब्द दिया, तो वही जो कुत्ती थी वैश्या दुश्मन बन गई स्वामी दयानंद की, उसने जहर दिया स्वामी दयानंद को, जान गुआ दी, लेकिन स्पष्ट वक्त ने स्पष्ट बात कह दी, बहादुर था, अब वो बहादुर था लेकिन उसके शिष्य न लायक निकले, आज कुछ भी नहीं। लेकिन हम चाहते हैं प्रभु जी के जो नियम है सब पालन करें, और अगर एक पालन नहीं करता ना, हम कहते हैं ये बीमारी फैला रहे, नहीं वो नहीं करता, मैं क्या करूं, नियम के हैं प्रभु जी के, और सारे ये प्रभु जी के नियम नहीं है, ये दुनिया के कुल धर्मों के नियम है। ये वक्त पर प्रभु जी का धन्यवाद करो, उसको संध्या कहो, पूजा कहो, कुछ कहो, ये प्रभु नियम है ना, और सारे धर्मों वाले अपने ग्रंथ का पाठ करते, बाइबल का, कुरान का, और जो ग्रंथ हैं, लेकिन हम भोग नहीं करते। अब नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि प्रभु की आज्ञा पालन करेंगे तो सुख मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, प्रसाद नहीं मिलेगा प्रसाद कोई, जितना मर्जी फल खा लो, हलवा खा लो, मगर रहोगे दुखी। क्यों? आज्ञा पालने की, प्रभु जी हमारे समय नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति तो काम कर रही है, वो लोगों के वरदान भी देती है, और जो नहीं करते कहते हम भोगो। स्वामी जी के पास एक आया आदमी बैठे थे भगत, वो आकर थोड़ी देर बैठा और ऐसी बातें करता रहा जो धर्म के साथ मेल नहीं खाती थी, चला गया। तो स्वामी जी ने जाते कहा राजी रहो, शिवा दी, भगत चला गया। भगत कहने लगे महाराज ये कोई बात तो इसने ऐसी कोई नहीं की जैसे कि आशीर्वाद मिलती। कहने लगे जो मैंने राजी कहो का मतलब इतना ही था, राजी रहो का मतलब है अपने कर्मों को भोगो, डायरेक्ट नहीं कहते गुरु, इनडायरेक्ट कहते अपने कर्मों को भोगो, करते कुछ नहीं तो भोग लो कर्मों को। तो ये प्रसाद की शब्द था, इसके ऊपर हमने आज थोड़ा विचार किया, प्रसाद का मतलब है कि समाज के प्रति जो हमारे कर्तव्य हम भी करें, और जो हमारे भगवान के प्रति कर्तव्य हैं, गुरु के प्रति कर्म हैं, वो भी करो, और ना समाज के प्रति कर्म ठीक करेंगे
ना गुरु के प्रति जो कर्तव्य है उनकी आज्ञा पालन वो भी नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर वही हालत होगी, घर में कला के लिए शरीर की बीमारियां और बच्चों के फेलियर्स और दुर्घटनाएं, यही हो सकता है, टाल नहीं सकते। तो अब क्या है कि उसने मैं कहा था कि हम सुबह आसन करें, शरीर ठीक रहे, भगवान कहे कि हाँ ठीक, इस शरीर को ठीक रखने का यत्न कर रहे हो, मेरी इमानत को संभाल रहे हो, और सुबह भगवान का धन्यवाद करें, आरती करें, पूजा करें। ये जो आज का प्रसंग है ये हमारे आश्रम के लिए नहीं, सब के लिए है, और सब जगह ऐसे ही उपदेश हो रहे हैं कि भगवान के याद करो, सुबह करो, शाम करो। सनातनी आरिश्मा जी, हम लोग, मैं तो हमारा तो ये आश्रम में सब पूरे समाज का भी है, धर्म का भी है, सब है, मगर वही करते हैं ना, भगवान का धन्यवाद करो और अपने ग्रंथ जो हैं उनको पाठ करो। ये सब के लिए है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, परंतु जो करेगा लाभ उठाएगा, जो न करेगा तो दुख उठाएगा, समझ लेना चाहिए हमें। तो हमें अपने नियमों का पालन करना है। प्रसाद का मतलब ये है कि गुरु की कृपा और समाज के साथ शांति का व्यवहार। बहुत सच्चिदानंद महाप्रभु।